हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद राहिल सिद्दीकी है और मैं विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एमएससी बॉटनी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आप सभी जानते हो कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। यह हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जो कि सबसे पहली बार सन 1974 में मनाया गया। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिजमा आवरण, जिसका अर्थ होता है कि वह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, अभौतिक और भौतिक। अभौतिक पर्यावरण वह होता है जैसे कि संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को हमेशा बचा कर रखें, एक बात। और दूसरा जो कि भौतिक होता है, भौतिक पर्यावरण भी दो प्रकार का होता है, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव में जैसे कि सभी जीव, प्लांट्स, सभी एनिमल्स और माइक्रोब्स होते हैं, और अजैव में जल, वायु और हमारी जमीन, ये सब किसके प्रकार हैं? ये सब अजैव के प्रकार हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि पर्यावरण ये सब होता क्या है। पर्यावरण को हमें बचाना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम पर्यावरण के ही हिस्सा हैं। पर्यावरण का हिस्सा होने के कारण हमें चाहिए कि हमें पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखें। मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है और प्रदूषित वायु लेने से हम बीमार पड़ जाते हैं। फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो प्रदूषित जल होता है, जिसे तालाब या नदियों में छोड़ दिया जाता है, यदि हम उसे पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो नतीजा यह होता है कि हमें अपने घरों में RO लगाना पड़ता है। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। कोशिश करें कि हम घर में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं और जमीन वाले प्लांट्स भी लगाएं। हमें ये ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो पौधे जरूर लगाएं जिनका जीवन अवधि बहुत अधिक होती है, 50 वर्ष, 100 वर्ष या इससे भी ज्यादा होती है। पेड़ पौधों का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास स्थान होते हैं। मैं अंत में दो लाइन कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से हमें यह सर्जिकल मास्क लगाना पड़ रहा है। हमें और हमारी पीढ़ियों को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़े उससे पहले हमें संभलना होगा। धन्यवाद।